अच्छी चीजों पर मेरे विचार रखने के लिए यहां पर आए, क्योंकि 10 दिन के 10 सेशन के अंदर, ये 2 दिन के सेमिनार के अंदर आप लोगों ने कई सारे देश के और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की है, ग्लोबल लॉ फॉर ग्लोबल इश्यू, सोशल मीडिया का न्याय जगत पर प्रभाव जो हमारे देश में सबसे ज्यादा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में चर्चा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खड़े होने वाले खतरे और उसके प्रभाव के बारे में चर्चा, 10 के 10 टेक्निकल सेशन को मैंने ध्यान से देखा है। मैं मनन जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि टॉपिक का सिलेक्शन ये बहुत रिलेवेंट है और भारत जैसे बढ़ते हुए देश के लिए बहुत जरूरी है। आज बार काउंसिल ने यहां पर विधि रत्न पुरस्कार भी दिया है और मैं बड़े मन से कहना चाहता हूं, पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया है जिनको पुरस्कार देकर मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं। कई बार इतने बड़े पुरस्कार इतने बड़े फोरम में देने होते हैं तो सिलेक्शन किसको दिया जाए वो बहुत कठिन होता है, मगर आज स्वर्गस्थ सोली सुराब जी, स्वर्गस्थ राम जेठमलानी, श्री पराशरन जी, श्री फली नरीमान जी, श्री वेणुगोपाल जी, ये जो पुरस्कार के लिए नाम चयनित किए हैं, भारत में किसी भी न्याय जगत से जुड़े हुए व्यक्ति को पूछोगे तो यही क्रम में यही 5 नाम सबसे पहले दिए। मैं स्वर्गस्थ सोली सुराब जी और राम जेठमलानी जी की ओर से, उनके परिवार जन आए हैं, सोली साहब की तो धर्मपत्नी इस आयु में स्वयं आई हैं, और पराशरन जी के परिवार से भी परिवारजन आए हैं, और श्री फली नरीमन और वेणुगोपाल जी स्वयं इस आयु में यहाँ आए हैं। मैं इनकी भारत के न्याय जगत के को समृद्ध बनाने के लिए, रिलेवेंट रखने के लिए और समय अनुकूल बनाने के लिए जो सेवाएं हैं, इसको मन से प्रशंसा करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, कॉन्फ्रेंस एक प्रकार से हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण समय पर आयोजित की गई है, मैं ऐसा कहूंगा कि बहुत उचित समय पर आयोजित की गई, क्योंकि यही वर्ष है जब हमारे संविधान को 75 साल पूरे होने वाले हैं, उस समय पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। यही वर्ष है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हमारे मुख्य 3 कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, वो 3 कानून को भारत की संसद आमूलचूर परिवर्तन कर रिलेवेंट बनाने जा रही है, वही ये वर्ष है।